दोस्तों, स्वागत है हमारे ब्लॉग चैनल में। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, तो देख सकते हैं कि फिर से हम आ गए आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके, मनु और आरती जी का। तो देख सकते हैं, मनु और आरती के घर पे बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो रहा था और आरती जी आज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, बट क्यों गुस्से में हैं तो हम दिखाएंगे आप लोगों को। आप लोग देखते रहिएगा और ज़रूर कमेंट करिएगा। और दोस्तों, उससे पहले जो भी चैनल पर नवे ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर देना। सो देख सकते हैं कि उनके घर में आरती जी की ननद आई हुई हैं और उनके पापा मम्मी सभी लोग आरती जी का फुल सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि मनु चले गए हैं घूमने। तो घूमने कहाँ गए हैं तो हम बताएंगे, अंत तक आप लोग बने रहिएगा वीडियो पे। और जैसे ही मनु वापस आते हैं उसके बाद क्या होता है वो सब हम बताएँगे आप लोगों को। तो फिर देख सकते हैं कि आरती घर का सारा काम करके फ्री हो गई थी जाने के लिए, पर मनु उनको लेके नहीं गए, इसीलिए आरती जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई। सो क्यों गुस्सा हो गई इसको हम दिखाएँगे आपको। तो देख सकते हैं, मनु गए थे मेला तो उनको लेके नहीं है, इसी कारण आरती जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई। और लेके जाना चाहिए था भाई, मनु भाई लेके जाना चाहिए था, ले जाइए। और तो उनका भी मन होता बाहर घूमने का, तो इसी कारण उन्होंने सारा काम पहले से ही कर लिया था कि साथ में घूम के आएंगे, तो वो लेके नहीं गए। तो क्यों नहीं लेके गए देख सकते हैं, उनकी बाइक की जो है कुछ ख़राब हो गई थी, इस कारण वो नहीं ले गए और अकेले ही चले गए। तो इसीलिए आरती जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। तो फाइनली देख सक दोस्तों देख सकते हैं कि फाइनली वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। सो क्यों गुस्सा है? उनकी फैमिली पूरी बहुत ही इन्जॉय कर रही है आरती जी के साथ, और देख सकते हैं कितनी मस्ती भरे पल गुजारती हैं भाई। और उसके पहले भी उनके घर की बहुत स्थिति ख़राब चली थी, अभी तो हाल ही में बहुत ही अच्छा हो गया है, काफ़ी अच्छा हुआ है। पहले से पहले बहुत ज़्यादा बीमार भी रहती थी, दुखी भी रहती थी। तो क्यों रहती थी? क्योंकि काफ़ी टेंशन होती थी ना उनको, कि जैसे कि उनके घर पर विवाद चल रहा था उनके भाई फैमिली से लेके, छोटू की जो डेट हो गई थी वो मतलब कांड हुआ था, तो इसी कारण तो मनु और आरती बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते कि ऐसे दोबारा कुछ ना हो। इसीलिए देख सकते हैं मनु आरती बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, इसीलिए ज़्यादा कुछ करके बाहर नहीं इनको लेके जाते हैं, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए, तो इस कारण आरती जी पे कोई कष्ट या फिर कोई दिक्कत आ जाए। मनु जी ने इसीलिए उनको लेके नहीं गए, तो वो मेला अकेले ही चले गए। और जैसे ही वापस आते हैं तो क्या होता है भाई, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरा देखिएगा, यही कहेंगे कि आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। और उससे पहले आप लोग आरती जी के चैनल को भी सपोर्ट करते रहिए, साथ मेरे चैनल को भी सपोर्ट और प्यार देते रहिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम आप लोगों के लिए ब्लॉग बहुत ही अच्छे अच्छे लेके आते रहें, जैसे पहले सपोर्ट करते थे वैसे फुल सपोर्ट करते रहिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आती होगी। तो फाइनली मैसेज आप लोग कमेंट जरूर करके बताना मेरे को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, सोचते हैं वीडियो को एंड कर देते हैं यहीं पे, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले ब्लॉग के साथ। दोस्तों, बाय बाय, माय टाटा।